हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हेरमिन इन्फ्लुएंजा की, जो कि मार्केट में बहुत ही प्रचलित है। इसका उपयोग, प्राइस, साइड इफेक्ट, साल्ट लेम सब बताने वाला हूँ। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नेचुरल वर्सेस मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेरमिन दवा एल्विन कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यह दवा डिब्बे के अंदर कांच के बोतल में आता है, जिसका एक डब्बे की कीमत 667 रुपया पड़ता है। हेरमिन में मेनली दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, पहला पूरा डेनिम तथा एमिनो एसिड। हेरमिन इन्फ्लुएंजा, इसका उपयोग यदि आपके पेशेंट को बहुत ही कमजोरी या सिर में चक्कर आ रहा है तो इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। हेरमिन इन्फ्लुएंजा की उच्च खुराक मरीज की उम्र, लिंग और उसके स्वास्थ्य संबंधित पिछली समस्याओं पर निर्भर करता है। यह दवा कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए यह इस आधार पर निर्भर करता है कि मरीज की मूल समस्या क्या है और दवा को किस रूप में दिया जा रहा है। यह जानकारी विस्तार से खुराक वाले भाग पर दी गई है। हेरमिन इन्फ्लुएंजा की सबसे सामान्य दुष्प्रभाव पेट दर्द, दर्द, उल्टी इत्यादि शामिल है। हेरमिन इन्फ्लुएंजा के कुछ अन्य नुकसान भी हैं जो साइड इफेक्ट के खंड में लिखी गई है। सामान्य तौर पर हेरमिन इन्फ्लुएंजा के साइड इफेक्ट लंबे समय तक नहीं रहते हैं और एक बार जब इलाज खत्म हो जाता है तो यह भी ठीक हो जाता है। अपने डॉक्टर से संपर्क करें यदि यह साइड इफेक्ट और ज़्यादा बदतर हो जाए या फिर लंबे समय तक रहे। इसके अलावा हेरमिन इन्फ्लुएंजा को गर्भाशय के दौरान लेने पर प्रभाव अज्ञान है और स्तनपान कराने वाले महिलाओं पर इसका प्रभाव भी अज्ञान है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हेरमिन इन्फ्लुएंजा का किडनी, लीवर या हार्ट पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। इस तरह के दुष्प्रभाव अगर कोई है तो इससे जुड़ी जानकारी हेरमिन इन्फ्लुएंजा से जुड़ी चेतावनी सेंसन में दी गई है। साथ ही हेरमिन इन्फ्लुएंजा को कुछ दवाओं के साथ लेने से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं तथा यह भी ध्यान रखें कि इस दवा का लत लग सकता है।